हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन ए डायमंड क्रिस केमिस्ट्री क्लास। टुडे वी स्टार्ट मृदा जीवांश पदार्थ, सोयल ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट पॉइंट कार्बन चक्र, चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास में है, कार्बन चक्र। और कार्बन जो चक्र है इसमें सबसे बड़ी जो बात हो किसकी है, कार्बन परमाणु के बारे में पढ़ना है कि कार्बन जो होता है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है और कार्बन का जो साइकिल वो कैसे घूमता है, कार्बन कैसे अपने पदार्थ बनाता है और वो पदार्थ टूट करके वापस कार्बन को कैसे वायुमंडल में मुक्त करते हैं, ये प्रक्रिया अपने को देखनी। नॉर्मली तरीके से पढ़ाई ईजी है, आप खुद जानते हैं पृथ्वी के ऊपर अपने पास में है जीवांश पदार्थ के दो स्रोत हैं, एक पादप स्रोत होता है, एक कौन सा होता है, जंतु स्रोत होता है। पादप जो होते हैं इसके अंदर भी कार्बन होता है, जंतु में भी क्या होता है, कार्बन होता है। और जंतु जो होते हैं इनका जो कार्बन होता है यह CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लांट के अंदर जो पाया जाने वाला कार्बन है वो किस रूप में मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू आता है, श्वसन की प्रक्रिया से। श्वसन जो करते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा जंतुओं में पाया जाने वाला जो कार्बन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो CO2 होती है यहाँ पर ये कहाँ से अपने को यूजफुल कहाँ होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको गेन कर लेते हैं कौन, प्लांट है, कौन गेन कर लेता है, प्लांट इसको ग्रहण कर लेते हैं किसकी प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, किस प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से CO2 को ग्रहण कौन कर लेते हैं, प्लांट यानी पादप इसको ग्रहण कर लेते हैं। अब पादपों में तो प्रकाश संश्लेषण में काम आती है CO2, और CO2 बनती कहाँ से, ये अपने को जंतु कार्बन जो होता है इनके अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण श्वसन होने से क्या मिलेगा अपने को, CO2 का निर्माण होगा। श्वसन एक प्रकार का क्या होता है, ऑक्सीकरण ही होता है, यानी एक प्रकार से अपन देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, क्या हो रहा है कि ऑक्साइड बन रहे हैं कार्बन के, क्या बन रहे हैं यहाँ पर ऑक्साइड बन रहे हैं, और कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं वही यहाँ पर सबसे अधिक काम आ रहे हैं, कार्बन के ऑक्साइड बनने के द्वारा प्रोसेस चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति के अंदर क्या होता है, प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु होते हैं अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो मिट्टी के अंदर पड़ी रहती है, और मिट्टी के अंदर पड़े हैं तो क्या करेंगे वो, उनके अंदर कार्बन उपस्थित है। अब जो कार्बन यहाँ पर पाया जा रहा है स्टूडेंट्स वो कार्बन किस रूप के अंदर है, देखिए यहाँ पर अलग अलग कंपाउंडों में युग्म के रूप में मिलेगा, हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, या कार्बोनिक अम्ल के रूप में, इस रूपों के अंदर अपने को मिल सकता है। अपने को चाहिए कार्बन वापस कैसे मिले, नॉर्मल एक चक्र पाया जाता है इस पूरी पारिस्थितिकी के अंदर, एक चक्र है कार्बन के जो पाए जाने का, जो चक्र है एक कार्बन एटम जो होता है वो कैसे कैसे कन्वर्ट होता रहता है। प्रकृति के अंदर अपन एक नियम पढ़ते हैं स्टूडेंट से कि जो भी पदार्थ यहाँ पर विद्वान है प्रकृति के अंदर है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता रहता है जबकि उसका द्रव्यमान क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान वो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है। ऊर्जा जो होती है वो भी एक रूप से दूसरे रूप के अंदर परिवर्तित होती रहती है, परंतु इस वाले टोटल ब्रह्मांड की ऊर्जा भी क्या होती है, संरक्षित रहती है, फिक्स होती है, इतना स्टोर है, कितनी एनर्जी रहेगी तो उतनी ही रहेगी, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहेगी, एक चक्कर है, ये चक्कर पाया जा रहा है, और ये चक्कर सबसे बड़ी चीज़ है, ये साइकिल से अपन लाइफ साइकिल से आप कहते हो जीवन चक्कर चलता है, वैसे कार्बन जो होता है इसका भी चक्कर चलता है, कहाँ से चलता है, पादप जो कार्बन होता है पादप कार्बन को यहाँ से ग्रहण कौन करता है, जंतु, कौन ग्रहण करते हैं इसको, जंतु, किस रूप में, पोषण के रूप में, किस रूप में लेते हैं, पोषक पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा, जंतुओं के द्वारा। देखिए पोषक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होंगे, प्लांट, अरे अपन जो भोजन करेंगे तो पोषक पदार्थ हैं कि नहीं, तो फसल वगैरह जो उगाते हैं वो पोषक पदार्थों में तो आती है, यहाँ पर गेहूं बाजरा उगा रहे हैं ये सब को अपन क्या करेंगे, इनको खाएंगे तो क्या मिलेगी अपने को, ऊर्जा मिलेगी, जंतुओं को कि नहीं, तो एनिमल्स में चलेगी। अब जो यहाँ पर खाने के बाद कार्बन तो अपने अंदर चला गया ना प्लांट से, अब ये जो कार्बन अपने पास से प्लांट से चला गया है, अपन श्वसन करेंगे, श्वास लेंगे, ऊपर नीचे खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये जो प्रक्रिया हो रही है श्वसन कहलाई कि नहीं, अब ये जो श्वसन वाली जो प्रक्रिया है, श्वसन होने के बाद
क्या होगा, जैसे अपना ऑक्सीजन अंदर लेंगे श्वसन की प्रक्रिया होगी, CO2 बाहर आएगी, कौन सी गैस बाहर आ जाएगी, CO2 बाहर आ जाएगी, अंदर दहन हो रहा है, आग जो लग रही है इसके अंदर, इसमें ये दहन कहलाता है, इसको अपन श्वसन कहते हैं, ये नॉर्मल केमिस्ट्री की भाषा में ऑक्सीकरण भी कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या बनेगी, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन कहाँ निकाल रहे हैं, वायुमंडल के अंदर निकाल रहे हैं। अब वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर आ चुकी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तुरंत क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये लगातार करते रहते हैं, दिन के समय प्रक्रिया चलती रहती है, कई में रात के समय भी प्रक्रिया होती है प्लांट्स के अंदर, मोस्टली 90% दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 को ये अवशोषित कर लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, यही होता है, यहाँ पर CO2 यहाँ से मिल जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, H2O लेंगे, और ये मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ से C6H12O6 स्टार्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन। ये तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यहाँ से हो गया, ओके। जैसे प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर हुआ CO2H2 में ये मिल गया, और साथ में क्या मिल गई, ऑक्सीजन। ये अपने पास ये क्या हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, स्टार्स अपन ने यहाँ पर देख गया, ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है, इस स्टार्स को कौन खाएगा, जंतु खा जाएंगे, जंतु खाने के बाद क्या करेंगे, इनका श्वसन होगा, फिर क्या मिल जाएगी, CO2, CO2 कहाँ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण से, फिर क्या बना देंगे, इस स्टार्स, ये वापस कहाँ, कौन खा जाएगा इसको, ये वाला पोषक के रूप में किसमें काम आएगा, जंतुओं के लिए काम आएगा, जंतु फिर इसको श्वसन करेंगे CO2। तो ये जो चक्र अपने पास में कंटिन्यू चक्र है, ये इस प्रकार से ये एक चक्कर चलता रहता है, और ये चक्कर को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन जो होता है, ये कार्बन है, सबके अंदर पाया जा रहा है, कार्बन कभी बनता है कभी टूट जाता है, ये बनने की ये टूटने की जो प्रक्रिया होती है क्या बोलते हैं अपन स्टूडेंट्स, कार्बन चक्र कहा जाता है, ओके। आई थिंक नॉर्मल से कोई ज्यादा नहीं है, अपन खुद व्यू के अंदर देखते हैं प्रकृति में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, आप नॉर्मल व्यू में उसको देख करके देखिए, आपको कार्बन चक्र इजीली वैसे ही समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, ओके। जैसे कार्बन चक्र है, जैसे ऑक्सीजन का चक्र हो सकता है, ऑक्सीजन जो होती है कहाँ से आ रही है, CO2 बनेगी, टूट जाएगी, फिर O2 बन जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी, सेम प्रोसेस कार्बन का भी पाया जाता है, ये कन्वर्ट होती रहती है ऑक्साइडों के रूप में, तो यहाँ अपचयन और ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो केमिस्ट्री में जो होती हैं वो यहाँ पर चलती रहती हैं, कभी ऑक्सीकरण हो गया कभी अपचयन हो गया, ये एक चक्र है, ये टाउन चलता ही रहता है प्लांट से जंतुओं के बीच में, तो ये उसको अपन क्या बोलते हैं, तरीके से पारिस्थितिकी बोलते हैं, पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो होती है यही तो इकोलॉजी होती है, यहाँ पर चक्र पाए जाते हैं, अगर ये सिस्टम चक्र कहीं से ब्रेक अनबैलेंस हो जाता है तो प्रकृति के लिए खतरा हो जाता है, नॉर्मली भाषा में अपन कहें तो ये सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर स्टूडेंट रहता है, ओके। बाकी जो अपने पास में स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सुविधा के लिए एक अपना खुद का चैनल बनाया है, उस चैनल का नाम है डायमंड क्रिस केमिस्ट्री क्लास, डायमंड क्रिस केमिस्ट्री क्लास के नाम से ही, डायमंड क्रिस केमिस्ट्री क्लास। अब इसको अंदर आप यूट्यूब पर जाकर इसको डालिए, और वहाँ पर डालने के बाद आप इस चैनल को वहाँ पर आएगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर जो आगे वीडियो हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन जो वीडियो आपके पास में ऑनलाइन मिलेंगे, मैं यहाँ से ऑनलाइन वीडियो इसके ऊपर अपलोड करता रहूँगा, कई टॉपिक्स के कई क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले, प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, डायमंड क्रिस केमिस्ट्री क्लास के नाम से है, वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में अपन बातें करेंगे, ओके।